दोस्तों मेरा मानना है कि अगर हमें स्टार्टिंग से ही हमें सपने का पता हो, लक्ष्य का पता हो, हमें क्या बनना है और हमें क्या बनना चाहिए, हम कैसे बनेंगे, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारी क्या रुचि है, इंटरेस्ट है, सब कुछ अगर हमें शुरुआती दौर से पता चल जाए, साथ ही हमें डायरेक्शन भी पता लग जाए, दिशा पता लग जाए कि हमें जो हमारा सपना है वो कैसे पूरा होगा, तो हम अपने सपने तक ज़रूर पहुँचेंगे, अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, करियर, साथ ही आपको SOSC इसी डायरेक्शन में एक सही दिशा देगा। आज हम बात करने वाले हैं SOSC AFPSN के आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, बहुत कुछ आपको नई जानकारी आपको मिलने वाली है। SOSC आर्म फोर्स स्कूल क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रखें, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह से सारी जानकारी लगातार मिलती रहेंगी। तो सबसे हम बात पहले बात करेंगे कि जो आर्म फोर्स के स्कूल हैं वो क्लास 9 से लेकर के 12th तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है। 9 से 8वीं में अगर आप हैं तो आप भैया तैयारी करो आर्म फोर्स स्कूल की, SOSC की, और आपका इजीली इसमें एडमिशन हो जाएगा, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। और अगर आप 10th में तो आप 11th की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया आखिर जो AFPS है उसमें सपना क्या है, या करियर क्या है, या आपका फ्यूचर क्या है। तो अगर आपका सपना, करियर या फ्यूचर आर्मी में जाने का है, आपको भाई स्टार्टिंग से पता है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो क्यों आप दूसरे फील्ड में अपना माथा पच्ची करोगे, राइट? अगर आपको पता है कि भाई मुझे पुलिस में ही जाना है, अगर आपको पता है कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, जल थल वायु सेना में जाना है, या आपको NDA की तैयारी करनी है, तो भैया आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SOSC AFPS। आपने इसी के साथ चूज करना है और इसी के साथ अपना करियर भी बनाना है। सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर तैयारी की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको यहाँ पर आर्म फोर्स वाले स्कूल ही ज्वाइन करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th में क्या क्या पढ़ाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि भैया आर्म फोर्स स्कूल है तो यहाँ पर आपको आर्मी से रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे, लाइक आपको हिंदी पढ़नी होगी, इंग्लिश पढ़नी होगी, गणित पढ़ेंगे आप, साइंस पढ़ेंगे, SST पढ़ेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उन सब्जेक्ट में कम जोर दिया जाएगा, राइट? क्योंकि भाई आपको सिर्फ 10th और 12th पास करना है, और उस लेवल में पास करना है जो आपको चाहिए। बट आपका करियर क्या है, कुछ और है, तो आपको यहाँ पर करियर की ज़्यादा नॉलेज दी जाएगी। उस फील्ड में आपको स्पेशल बनाया जाएगा कि जब भी आप अपने आप मतलब 12th कर जाओगे तो आपको लगेगा कि बस मैं इस फील्ड के लिए तैयार हूँ, और आपका सिलेक्शन ईजीली हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस सारे सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे 11th 12th में क्या होगा, तो भैया 11th और 12th में भी बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। जो भी आप 11th में सब्जेक्ट लेते हैं नॉर्मली, वो यहाँ पर भी आपको लेने होंगे, और आप ले सकते हैं आराम से। बाकी सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि SOSC में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 11th में, तो यहाँ पर खास क्या पढ़ाया जाएगा भैया, NDA की तैयारी करवाई जाएगी, नेशनल डिफेंस अकेडमी SSB की आपको तैयारी करवाई जाएगी, और अदर जो कंपटीशन है आर्मी से रिलेटेड, NDA से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड, यानी कि सारे आपको कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। जो आपको ज़रूरत है उस फील्ड में जाने के लिए, तो आपको यहाँ पर उसी फील्ड का ईजी रहेगा, और स्टार्टिंग से ही आप अपनी तैयारी कर पाओगे तो ईजीली आपको हो जाएगा। भैया नौकरी रोज़गार क्या होगा, ठीक है, तो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया आपको कि आप जो है फौजी बन सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, आर्मी में जाएंगे आप, पुलिस बन सकते हैं आप, सरकारी नौकरी आप लेंगे, तो जो भी सरकारी नौकरी वगैरह है, लाइक अगर आप प्राइवेट फील्ड में भी जाना चाहोगे तो आप उस रैंक पे होंगे जिसमें कि नॉर्मली जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो शायद ही वहाँ तक पहुँच पाएगा। या इसी के लिए अगर आपको ट्रेनिंग करनी होगी तो ट्रेनिंग के आपको बाहर बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, बट SOSC में बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा।
और आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया तैयारी करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भैया जो स्कूल है, ये बहुत डाउट है बच्चों का कि जो स्कूल है वो क्या होगा। तो ये टोटली आवासीय स्कूल है, यानी कि यहीं पर आपको रहना होगा, यहीं पर खाना पीना सब सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी। नहाने धोने से लेकर के खेलने कूदने से लेकर के सेपरेट होगा, लड़कियों का अलग होगा, लड़कों का अलग होगा, अलग अलग मैस होंगे, अलग अलग आपको मतलब खाने पीने का अलग होगा। ऐसा नहीं कि भैया, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि भैया लड़कियां भी साथ में हैं, लड़के भी साथ में, ऐसा नहीं है। पूरी टीम आपके साथ होगी, टीचर्स होंगे साथ में, आपको वहाँ पर सिक्योरिटी पूरी दी जाएगी। और लड़कों का सेपरेट है, यानी कि झड़ौदा में है ये, और लाइक आप ये मान के चलो कि हॉस्टल टाइप का है, तो लड़कियों का हॉस्टल अलग होगा, लड़कों का अलग होगा, खाना पीना सब कुछ अलग होगा। टेंशन फ्री हो कि आप अपना करियर आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल में बनाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि पार्किंग वगैरह होगी आपके लिए, लाइक अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो जॉगिंग के लिए भी आपको स्पेशली मतलब पार्क होंगे। लाइक यहाँ पर NCC वगैरह की ट्रेनिंग होगी, और आपको मतलब जो भी फैसिलिटीज है पूरी दी जाएगी। साथ में अगर आपको जानना है भी कई बार सैटरडे को, तो आपके जो पेरेंट्स है वो आपको मिल सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेरेंट्स का। हाँ, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं, या आपको जैसे फेस्टिवल हो गए या छुट्टियाँ आई हैं तो बच्चे को घर भेजा जाएगा, तो यहाँ पर पूरी फैसिलिटी होगी, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं भैया एडमिशन कैसे होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडमिशन कैसे होगा। तो अगर आप 9th में एडमिशन चाहते हैं तो 8th क्लास में आपके पास होंगे 50% मार्क्स होने कंपलसरी है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है, सारे बच्चे ना एडमिशन लें, वही बच्चे एडमिशन लें जो इसके लिए एलिजिबल हो। तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 8th क्लास में, ईजिली मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में जो 8th क्लास में ही आपका एक टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको पास होना पड़ेगा और उसके बाद आपका एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 9th और 10th में, यहाँ पर 9th में एडमिशन हो गया तो 10th भी आप पढ़ोगे, और अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर 10th क्लास के लिए, भैया 10th में आपको 50% मार्क्स आपके होने कंपलसरी हैं, और साथ में जो टेस्ट होगा वो पास आपको करना पड़ेगा, एक टेस्ट होगा। अब सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो भैया सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगा कि जो एडमिशन है ना वो 50% गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चों को लिया जाएगा और 50% प्राइवेट स्कूलों से लिया जाएगा, तो रेशो होगा 50-50%। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, वो ज़्यादा पढ़ते हैं तैयारी करते नहीं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी सबको मिला करके लिया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो सिलेक्शन है ना, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो स्टार्टिंग से आप अपनी तैयारी को करके रखेंगे। बाकी किस तरह से आपको पढ़ना है या क्या क्या आपको पढ़ना है, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट आप कर लीजिए, मैं आपको सेपरेट वीडियोस की लेके आऊँगा। बाकी अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आई होप कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो आपको या कुछ नई बात सीखने को मिली हो तो आप प्यारा से कमेंट भी आप मुझे ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से सारी अपडेट, नई नई वीडियोज अपडेट है, मोटिवेशनल है, सब कुछ आपको मैं लाता रहता हूँ। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों को, ताकि आपके साथ साथ ये जानकारी उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक भी पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। ऑल दी बेस्ट। और कुछ और दूसरे डोमेन भी है, उनकी भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगी। जय हिंद।